Good evening friends. Today we are going to discuss a most important chapter, a most important topic of the class 11th accounts. Today we are going to discuss journal entry. You all are introduced from this name, journal entry. How much this chapter is important, we will study and we will understand. Okay. Before this, I want to recall something, whatever I have studied in the last lecture. Okay. My dear students, in the last lecture, I have told you account, there are three type of account. कौन-कौन से account होते हैं? Three type of account. Personal account, real account and nominal account. आप तीनों लोग को ये पता होगा कि आप लोग को ये पता होगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं. पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं. व्हाट एवर वी आर कंसीडर अंडर पर्सनल अकाउंट, अंडर रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. गेटिंग यू ऑल, अंडर पर्सनल अकाउंट अगेन आई वॉन्ट टू टेल अबाउट द पर्सनल अकाउंट. अंडर पर्सनल अकाउंट we consider only individuals, any individuals, any type of institutions, account of any type of institutions, account of any type of organizations, account of any hospitals, NGOs, trusts, means account of any type of all these things we will consider under personal account. And the rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. ये आप सबको याद होना चाहिए. अगर ये रूल सारे याद नहीं होंगे तो फिर आप आगे की क्वेश्चंस आप बहुत या जनरल एंट्री आप कर ही नहीं पाएंगे, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको ये सारे रूल्स आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए और अकाउंट्स की पहचान, मतलब आप कैसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए. तो जब तक आपको रूल नहीं याद होगा तब तक आप डेबिट और क्रेडिट चीजों को नहीं समझ पाएंगे. तो देखिए, अकाउंट देयर आर थ्री टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल क्लियर, रियल में क्या होता है, विच कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसको हम क्या कह सकते हैं, रियल अकाउंट कह सकते हैं. मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं किसी मनी के फॉर्म में, वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है. रियल अकाउंट को हम एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं. आप जाके पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं. रियल अकाउंट के रूल क्या है, debit what comes in, credit what goes out. मतलब बिजनेस में जो चीजें आएंगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जो चीजें बाहर जाएंगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. क्लियर. ऐसे तीसरा नॉमिनल अकाउंट, PRN I have written. N for nominal account. Nominal account means which have no existence. मतलब जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जिसके कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वैसे खातों को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं. जैसे सैलरी, एक्सपेंडिचर, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, एनी टाइप ऑफ इनकम्स, एनी टाइप ऑफ रेवेन्यूज. ओके, इफ क्या है, ये सारी चीजें आती हैं तो उसमें ऐसे टाइप के अगर अकाउंट है तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट होते हैं. वो उनको क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई हुई है, जाके आप इसको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लो, तभी आप ये चैप्टर पढ़ पाओगे, तभी आप ये चैप्टर समझ पाओगे. ठीक है, अगर पिछला लेक्चर और ये सारे अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इफ इट इज नॉट क्लियर, देन आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो आइए देखते हैं हम जनरल कैसे, जनरल क्या होता है, जनरल में क्या चीजें करते हैं, जनरल में कौन कौन सी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं रिकॉर्ड करते हैं. जनरल क्या होता है, इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. क्या होता है, इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम अपने जो पहली बार जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, फर्स्टली वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, वेयर वी फर्स्टली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन विच बुक, दैट इज कॉल्ड जर्नल. मतलब जहां पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होता है, उसका पूरा डिटेल उसको हम कहा, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं. क्लियर, मीन्स वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फर्स्टली, दैट इज कॉल्ड जर्नल. गेटिंग यू ऑल, जर्नल में क्या, जर्नल क्लियर हो गया, क्या होता है,
इसको हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी बुक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जर्नल में अब कैसे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जर्नल में हम कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इस चीज को हम सीखेंगे आगे। जर्नल के बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, ये सब चीजें आप जाके बुक में चीजों को देख सकते हैं। एक्चुअली इतना वीडियो क्लासेस में इतना समय भी नहीं होता है कि आपको पूरा एक एक फीचर और एक एक पूरे इंपॉर्टेंस को बताया जाए। आप उसको देख के आप इजिली आप समझ सकते हैं जो की पॉइंट्स है उस चैप्टर के, उन्हीं सारी चीजों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी बुक। अब देखिए जर्नल को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अपने कैसे हम जर्नल में अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको जानना है क्या है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे हमारा एक ड्रेस है, हमारा एक ड्रेस है, सबका एक ड्रेस है, मतलब स्कूल में हम जाते हैं तो क्या एक ड्रेस पहन के जाते हैं, तो जैसे आपका एक ड्रेस है वैसे अकाउंट्स का भी एक ड्रेस है। तो जो हम ये ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, मीन्स देर आर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, अंडर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है ना। वो फॉर्मेट क्या है, ये इसी फॉर्मेट में ही इसको बनाया जाएगा। आप जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप इस फॉर्मेट को पूरा अच्छे से बना के ही आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या कितने कॉलम होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब सारी चीजें डिटेल अबाउट द जर्नल हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब सबसे पहला कॉलम होता है क्या, डेट का। सबसे पहला कॉलम हो गया डेट, डेट। फिर क्या हो गया, पर्टिकुलर, क्या हो गया, पर्टिकुलर, ठीक है। फिर क्या हो गया, एल एफ एन, लेजर, छोटा सा पतला सा कॉलम होता है, आप देखेंगे अपने बुक में, लेजर फोलियो नंबर, ओके। इसके बाद दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, ठीक है ना। आप इसको हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, जर्नल का फॉर्मेट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, जर्नल का फॉर्मेट हो गया। पहला कॉलम क्या होगा, डेट का, दूसरा कॉलम क्या, पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम एलिफेंट का, चौथा अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, क्लियर। अच्छा, ये फॉर्मेट है, ये जर्नल का क्या हुआ, ड्रेस है। अब इसी ड्रेस में हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस में हम उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए हम समझते हैं डेट का मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स जिस डेट को, जिस टाइम को वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब तो जैसे क्या हो रहा है कि अब हम जब क्या कहते हैं, कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें डेट और स्पेसिफिक टाइम को, कि अब देखिए जमाना इतना फास्ट हो गया, तो अब मतलब एक एक सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में। तो वो क्या है, डेट और टाइमिंग बोथ वी कंसिडर, वी रिकॉर्ड अंडर दिस कॉलम डेट, क्लियर ना। मतलब जिस डेट को ट्रांजेक्शन होगा, जैसे आज हुआ, तो आज हुआ मान लो 5th अगस्त, 5th 08 या फिर 2020, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ वो हम डेट डाल देंगे, क्लियर। अच्छा, अब पर्टिकुलर में हम जनरल एंट्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी चीजों को सीखेंगे। फिर दूसरा एलिफेंट, लेजर फोलियो नंबर, यहां क्या लिखेंगे, लेजर फोलियो नंबर। ये एलिफेंट एक छोटा सा कॉलम होता है क्या, लेजर फोलियो नंबर, ओके। अकाउंटिंग प्रोसेस में एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम वो प्रोसेस क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल, फिर बनाते हैं क्या, लेजर, फिर बनाते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस, फिर क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल, एंड फिर क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। इससे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं क्या, जर्नल। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन का मतलब समझ रहे हो, ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड कहां करते हैं, जर्नल में। इस जर्नल से बनेगा क्या, लेजर,
एक्सटर्नल से क्या बनेगा लेजर, लेजर से क्या बनेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट से क्या बनेगा बैलेंस शीट। तो सोच सकते हो कि जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपका जर्नल ही सही नहीं बनेगा, आप अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही सही नहीं करोगे तो आप आगे कोई भी स्टेप नहीं सीख पाओगे। इसलिए देख लो जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कहां करते हैं, वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अंडर जर्नल, एंड आफ्टर जर्नल वी प्रिपेयर लेजर, एंड प्रिपेयर आफ्टर लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मीन्स ऑल द थिंग्स आर लिंक्ड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। जब आप ई चीज गड़बड़ करोगे तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, फिर जब आप ट्रांजेक्शन ही सही से नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे तो फिर आगे आपकी पूरी अकाउंटिंग गड़बड़ होगी। तो सोच देख लीजिए जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है। जर्नल आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए क्या है, तो देयर आर फाइव कॉलम, मैंने बताया जर्नल को कैसे करेंगे। फाइव कॉलम होते हैं डेट पर्टिकुलर एलेवन, बात करते हैं एलेवन। जब हम जर्नल में जर्नल में रिकॉर्ड करके ट्रांजेक्शन को लेजर में आते हैं, व्हेन वी कम्स इन लेजर आफ्टर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, ओके। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत मोटी मोटी बुक्स होती थी। आप लोग चाहे रेलवे ऑफिस में चले जाओ, चाहे किसी भी ऑफिस में चले जाओ, तो आप देखते हो पूरा अकाउंटिंग का इतना बुक, कितना बुक, मतलब इतना ज्यादा बुक देख के दिमाग घूमने जाता था क्या, कि बाप रे, मतलब इतना वो क्या है, सब वो सारी अकाउंटिंग की बुकें होती, सारा लेजर की बुकें होती थी, मतलब इस लेजर में इतना टाइम, इतना ये चीजें मेंटेन की गई है, मतलब सारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स उसमें सारे बुक्स में। और आप अभी भी जो ऑफिस का एक तरीके से, चाहे रेलवे ऑफिस हुआ, चाहे आरटीओ के ऑफिस हुआ, चाहे कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस हुआ, आप तो खैर कंप्यूटर्स देखते हैं, लेकिन आप पिछले कुछ सालों में अगर गया होगा ऑफिस में तो डेफिनेटली, या फिर जो एक एड आता है नवरत्न ठंडा ठंडा कुलकुल, तो उसमें देखते हो पूरा फाइलों की ढेर सारी लगी रहती है। तो क्या है, मतलब इतनी ज्यादा फाइलें होती है, तो अगर किसी ट्रांजेक्शन को हमें ढूंढना हो तो देखिए जर्नल हम कहाँ रिकॉर्ड किए हैं, जर्नल का इसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। मतलब हम इसको देखेंगे, हम लेजर में इस अकाउंट का बैलेंस कितना आया, लेजर में अभी हम आगे हम कुछ चीजें को सीखेंगे, तो नहीं समझ पा रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जर्नल में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन का हम लेजर बनाते हैं। आफ्टर दिस वी प्रिपेयर द लेजर आफ्टर द जर्नल, ओके। एंड जब हम लेजर में हमको ये ढूंढना पड़ता है कि वो लेजर कहां से आया, किस पेज नंबर से आया है, या इसका हम लेजर कहां मेंटेन किए हैं, तो वो पेज नंबर हम यहाँ पे वो क्या डाल देते हैं, वो पेज नंबर जैसे आ गया 10085 समथिंग कुछ करके, वो क्या है, ये हमारा कोड नंबर है कि इससे हमारा ट्रांजेक्शन का लेजर कहां मेंटेन किए हैं, वो चीज हमें पता चल जाए। क्लियर हो गया। तो जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, और लेजर को जो हम रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड लेजर्स, वो किस पेज पे रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो ये पेज नंबर डाल देते हैं। खैर इसको आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको रिकॉर्ड करने की आपको ऐसा कुछ नंबर, बस एक कॉलम बना देना छोटा सा एलेवन। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5, ये पांच कॉलम होने चाहिए जनरल लेजर फॉर्मेट में, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ये देयर आर फाइव कॉलम फॉर प्रिपेयरिंग जर्नल, ओके। तो ये फॉर्मेट हुआ आपको। अच्छा अब बात आती है हम कैसे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट हो गया, अब बात आती है क्या हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, कौन, मिस्टर मोटू, कौन है, मिस्टर मोटू, ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। इन्होंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया, क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मिस्टर मोटू इज स्टार्टिंग हिज बिजनेस, ओके। तो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या डालेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या डालेंगे, पैसा, पैसे को हम क्या कहेंगे यहां पे, कैपिटल, क्या कहेंगे, कैपिटल। बिजनेस में क्या लगेंगे, पैसा लगाएंगे, चाहे वो कैश के फॉर्म में लगाए, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में लगाए,
ध्यान से समझिएगा, चीजें लंबी हो जाएंगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वीडियो लंबा होने जा रहा है। ओके, कैश, जब भी मिस्टर मोटू अपना बिजनेस सेटअप करेंगे तो उसमें क्या डालेंगे, कैश, ठीक है, प्लस गुड्स, ठीक है, और चाहे कुछ भी और ऐसी चीजें रही वो उससे क्या हो, बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो नॉर्मली कैश या गुड्स आपको आपकी ट्रांजेक्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। कि मिस्टर मोटू हैज स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है, क्या 1 लाख रुपए से मिस्टर मोटू ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या है ना, मिस्टर मोटू हैज स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश रुपीज 1 लाख, ये पहला ट्रांजेक्शन है। व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा इसको, क्या है, मिस्टर मोटू ने क्या किया, मिस्टर मोटू हैज कमेंस हिज बिजनेस फ्रॉम द रुपीज 1 लाख, ठीक है ना, मतलब अब ट्रांजेक्शन हो गया, क्या हुआ ट्रांजेक्शन, कि मिस्टर मोटू जो बिजनेस के ओनर है, बिजनेस में क्या किए, 1 लाख रुपए डाल दिया, तो बिजनेस में क्या आया, 1 लाख रुपया है, बिजनेस में क्या आया, 1 लाख रुपया है। अब आपको यहां चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा, अगर आप चीजों को नहीं ध्यान से समझेंगे तो फिर आप गलत कर बैठोगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैश कौन सा अकाउंट है, अब यहां पे आपको बात करनी पड़ेगी, पर्सनल रियल नॉमिनल, कौन सा अकाउंट, विच अकाउंट, कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, द नेचर ऑफ कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, क्यों रियल अकाउंट, रियल अकाउंट याद करिए जो मैंने क्या बताया, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, तो कैश क्या है, मेरा रियल अकाउंट है, क्लियर। अच्छा, कैश जब रियल अकाउंट है तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, क्या रहा है, कैश इज कमिंग इन इनसाइड ऑफ द बिजनेस, ओके। अच्छा, तो रूल क्या है रियल अकाउंट का, कैश रियल अकाउंट है, और मैंने रूल बताया आपको क्या है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिजनेस में आने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिजनेस में आने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्या है, बिजनेस में आने वाली चीजों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना, ओके। कैश अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, ये पैसा कौन दे रहा है, मिस्टर मोटू दे रहा है, मिस्टर मोटू दे रहे हैं, कितना दे रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है, और वो पैसा कैसे आ रहा है, कैपिटल, कैसे आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख रुपया आ रहा है। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, कि जो कैपिटल अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ओनर कौन है, ओनर एक इंडिविजुअल है, एक मैन है, एक लिविंग पर्सन है, ठीक है ना, तो वो क्या है, एक ओनर जो है वो कैपिटल अकाउंट क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे, क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे, क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे, और रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो पर्सनल अकाउंट अगर रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है, तो डेबिट होगा और देगा तो क्रेडिट होगा। तो यहां पे मिस्टर मोटू क्या है ना, दे रहे हैं, मिस्टर मोटू क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, कितने क्या दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, भैया किसको दे रहे हैं, अपने बिजनेस को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी पैसा ये लगा रहे हैं, जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, पहला एंट्री मेरी क्या होगी, मान लीजिए 5 अगस्त को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और इनका पैसा आया क्या, 1 लाख रुपया, तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश क्यों आ रहा है पता, अभी मैंने बताया कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब बिजनेस में पैसा आया और किसके बिहाफ पे आ रहा है, ओनर के बिहाफ पे आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, अब इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एलएफएन में रिकॉर्ड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना है 1 लाख, यहां भी 1 लाख, ठीक है, आप अमाउंट लिख देंगे, इसके सामने इसको, इसके सामने इसको, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट वाले को, डेबिट वाले के सामने डेबिट वाले। उसके बाद आपने इस एंट्री में क्या किया है, आपने इस एंट्री में क्या किया है, कैसे एंट्री बनाई है, तो एक जो जैसे मान लीजिए हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो हम ये जनरल एंट्री देख के मतलब पकड़ लेंगे कि एंट्री क्या कह रहा है, मतलब हम तुरंत देख लेंगे तो क्या मतलब समझ जाएंगे क्या कि बिजनेस में 1 लाख रुपए ऐसे कैपिटल आया है, ये इस एंट्री को देखिए। लेकिन जब एक कॉमन मैन है, जो एक मैंगो मैन है, ठीक है, अगर वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्लेरिफिकेशन लिखते हैं। क्लेरिफिकेशन को हम क्या कहते हैं अकाउंट्स में, नरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, बीइंग, ठीक है, मिस्टर मोटू या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है ना। आप पूरा एक क्लेरिफिकेशन जो भी आप करेंगे ट्रांजेक्शन्स में, उसको एक सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस में आप उसको क्या करेंगे, नीचे इन ब्रैकेट आप इस ट्रांजेक्शन के नीचे लिख देंगे और ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ पहला ट्रांजेक्शन, क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे ट्रांजेक्शन की। अब बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस परचेज किया, क्या मान लीजिए इन्होंने बिजनेस कर रहे हैं, किसकी किस का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आजकल सैनिटाइजर बिक रहा है, सैनिटाइजर का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो इन्होंने परचेज किया सैनिटाइजर, बहुत ढेर सारा सैनिटाइजर ये लेके चले हैं, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का इन्होंने सैनिटाइजर खरीदा है। अब ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन ये हो रहा है किस डेट को, 6 को, ट्रांजेक्शन क्या है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, परचेज गुड्स, मतलब इनका स्टॉक होगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है ना, जो भी इनका माल होगा उनको उसको क्या कर रहा है, खरीद रहे हैं, तो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है ना, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश, क्या कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन दो तरीके के होते हैं, नाम रखिएगा, पहला लेक्चर कैश एंड क्रेडिट, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश एंड क्रेडिट। तो यहां पे ये क्या खरीद रहा है, अभी मैं उधार भी बताऊंगा, क्या खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, मतलब पैसा देके खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, सेकंड ट्रांजेक्शन आप इसको लिख सकते हैं, परचेज गुड्स इन कैश रुपीज 1 लाख या परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है ना, तो एंट्री क्या बनेगी। अब ध्यान से समझिएगा, परचेज हुआ गुड्स, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, ठीक है, बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, तो परचेजेस क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेज क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेजेस क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा। अब यही चीजें आपको दिक्कत करेंगी, क्या परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, तो परचेज हमने किया, परचेजेस को हम यहां पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स को क्या लिखते हैं, गुड्स को लिखते हैं परचेजेस, ठीक है ना। देखिए अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्या गुड्स, जिस चीज का मान लीजिए सैनिटाइजर है, तो सैनिटाइजर मेरे लिए क्या हुआ, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो क्या मेरे लिए गुड्स होगा, स्टॉक होगा, क्लियर। अच्छा जब हम इसको परचेज करेंगे, व्हेन वी विल परचेज, मतलब जब खरीदेंगे तब इसको हम क्या नाम देंगे, परचेजेस, और जब हम इसको बेचेंगे तब हम इसको क्या नाम देंगे, सेल्स। तो गुड्स आया लेकिन हम गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुड्स को जब हम, व्हेन वी विल परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज वी विल राइट द परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स वी विल राइट द सेल्स। बात समझ में क्या, फिर एक बार समझिए, गुड्स है, गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स को व्हेन वी आर परचेजिंग द गुड्स वी विल राइट द परचेज इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो हम जनरल एंट्री करेंगे वहां पे हम क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे गुड्स को, और जब इसी गुड्स को हम कल को बेचेंगे तो क्या हुआ, सेल्स लिखेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना।
आइए देखते हैं हम यहाँ कर क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेजेस कर रहे हैं। गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। कितने का, 1,00,000 रुपए का। तो अब हमारे लिए क्या है, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब आप पूछेंगे परचेज एक्सपेंसेस है, परचेज एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कहीं पे रियल अकाउंट ट्रीट किया जाता है, कहीं पे नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब नेक्स्ट जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा क्यों परचेजेस को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परचेज और सेल्स दोनों नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, परचेज एंड सेल्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। तो परचेज रूल क्या है डेबिट नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब परचेज को मैंने एक्सपेंसेस ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या परचेज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ओके, तो हम यहां लिखेंगे डेबिट होना परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या कैश, मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, मैंने मतलब कैश ट्रांजेक्शन है ना, तो मैं कैश खरीद रहा हूं, तो कैश खरीद रहा हूं, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, 1,00,000 रुपया जा रहा है। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। वेरी गुड, क्या बात है, आपने बता दी कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, रूल क्या हुआ, रूल क्या हुआ, एक बार बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए यहां पे कैश आया था बिजनेस में, आया था तो आप क्या किए थे, डेबिट किए थे, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में आया, क्या किए डेबिट, अब डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जा रहा ये चला गया बाहर। सिक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हुआ टू कैश, 1,00,000 रुपया यहां, 1,00,000 रुपया यहां। ओके, अब हम फिर ट्रांजेक्शन वही नजर चलेंगे, बीन गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 1,00,000, ठीक है ना। अब इस गुड्स को सेल किया, मान लो 07 को इसको सेल कर दिए 820। मैं जान रहा हूं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी और भी लंबे वीडियो बनेंगे अकाउंट्स में, सो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। अब देखिए सेल्स करेंगे, मान लीजिए इस 1,00,000 के सामान को, 1,00,000 के गुड्स को हमने बेचा कितने में, 2,00,000 में, 1,00,000 के गुड्स को क्या बचा, 2,00,000 में, 2,00,000, ठीक है, अच्छा 2,00,000। तो अभी मैंने बताया गुड्स जब सेल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे, जब परचेज करेंगे तो परचेज लिखेंगे। अब देखिए जब आप किसने किसी को सामान बेचा, थर्ड ट्रांजेक्शन मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग, लिख के करिएगा, क्या गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 2,00,000, गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 2,00,000, मतलब 2,00,000 का सामान हमने बेचा। ओके, तो 2,00,000 का सामान जब हमने बेचा तो एंट्री क्या बनेगी, हम सामान बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा पैसा आएगा। जब सामान हम बेचेंगे तो क्या आएगा भैया, फुकट में तो देंगे नहीं, या तो उधार बेचेंगे या तो नगद बेचेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, पैसा आएगा, ठीक है ना। जब हम सामान बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। तो पैसा आएगा तो क्या करेंगे, अब फिर देखिए पैसा आएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा तो फिर डेबिट होगा, क्योंकि पैसा क्या है, कैश है, कैश है तो क्या है, डेबिट साइड है, क्या मतलब रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल क्या है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो क्या हो, कैश अकाउंट डेबिट, फिर लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल हो रहा है ना, सेल्स, ठीक है ना, 2,00,000, ठीक है ना। फिर वही एंट्री, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 2,00,000, ठीक है ना, ये सामान पैसा लगाए बिजनेस में, 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा, सामान बेच दिए, अब कुछ खर्चे होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, जैसे दुकान का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो इस तरीके के खर्चे हम मान लो कुछ पेमेंट किए, तो मान लो दुकान का खर्चा मेरा हो गया कितना, 10,000 रुपए, ठीक है ना, मतलब हमने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप नोट कर लो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो गया नोट करो, रेंट रुपीज 2,000, इलेक्ट्रिसिटी रुपीज 5,000 एंड टेलीफोन रुपीज 1,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस मतलब बहुत ज्यादा चार पानी सब चीज का खर्चा 3,000, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोला,
ट्रांजेक्शन ये बोला रेंट रुपीज 2000, इलेक्ट्रिसिटी रुपीज 5000, फोन रुपीज 1000 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ओके 3000। तो ये सारे एक्सपेंसेस हुए, हुआ। अच्छा अब ये सारे एक्सपेंसेस तो हुए, लेकिन इसके एक्सपेंसेस में वो क्या है, पैसा जा रहा है मेरे पास। तो ये एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट से, कौन से अकाउंट है सारे, दीज ऑल एक्सपेंसेस वी कंसिडर एज एन एज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने एक्सपेंसेस है सबको डेबिट कर देंगे। जा क्या रहा है भैया हमारे पास, कैश जा रहा है, किसके बदले, इस एक्सपेंसेस के बदले। तो जितना कैश जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, कैश। फिर आ गया कैश, कैश देखो क्या कैश, कैश क्या हुआ, बिजनेस से बाहर जा रहा है, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, एंट्री क्या हो जाएगी, फोर्थ 8 0 8 20। देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, मान लीजिए जितने एक्सपेंसेस सबको डेबिट कर दीजिए, क्या है, रेंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, टेलीफोन डेबिट, फिर क्या मैंने बोला, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना। यहां पे सबके अमाउंट लेंगे, रेंट 2000, इलेक्ट्रिसिटी 5000, फोन 1000 और ये 3000। अब हमारे पास जा क्या रहा है, टू कैश कितना, 10000। अब इसका हम टोटल कर देंगे, सारा क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। टोटल कर लीजिए 1 लाख, ये क्या है, 1 लाख, 2 लाख, ये 2 लाख, 4 लाख, और 4 लाख को डेबिट साइड का टोटल क्या हो गया, 4 लाख 10000, 4 लाख 10000। फिर इसको क्या कहेंगे, 4 लाख 10000, ये आपका जनरल का टोटल आ गया, दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा और एकदम सेम होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और दोनों का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, तो आप देखें 4 लाख 10, 4 लाख 10000 दोनों साइड में। इसी तरीके से हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप सारे एग्जाम्पल्स को थ्रू समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम जनरल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, आगे ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कैसे हम जनरल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। होप यू ऑल आर गेटिंग, वीडियो बहुत लंबा हुआ लेकिन ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। फॉर टुडे थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, ओके।